जी गुड आफ्टरनून, टाइम है दोपहर के भैया 3:45 मतलब, और हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरनगर में और मोहित सर। बाकी ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बताएंगे बाद में आराम से। फिलहाल जो मुजफ्फरनगर चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं सर को क्या काम है क्या नहीं। तब तक के लिए बस मस्ती करनी है मुझे तो, और तो कुछ करना नहीं, ना काम है मुझे कुछ। बाकी एसी थी सर नहीं थी दे चला रखी, अब बाहर निकलते फिर गर्मी लगेगी, अब पसीना हालत ख़राब, कुछ नहीं कर सकते। बाकी सही है भाई, सर चला रहे अपना गाड़ी आराम से। तो तब तक के लिए अपना करते कुछ नोटिस, देखते क्या मिलता है क्या नहीं। सर महावीर चौक है, मैं शिव चौक पर अजी, मैं शहर में आया इधर से सर्कुलर रोड में, ये मान लो पूरी जिंदगी में 20 बार आया हूँगा मैं यहाँ से। अरे आप आ लोगे 100-200 बार तो शहर किसका हो, 200 बार तो शहर किसका हो, शिव चौक आ गया भाई। अब चलते सीधा महावीर चौक। सही है, हम पहुंच गए बुढ़ाना, वो सॉरी मुजफ्फरनगर यार, कन्फ्यूजन पता नहीं क्यों हो रही है, इतनी पता नहीं बार बार तो शक्ल वो देख के जीप सो रहा है यार, ये कैसे इतनी कैसे लगेगी कोई ना। बाकी हम पहुंच गए मुजफ्फरनगर कचहरी में, तो जो कचहरी का काम वाम करते हैं और उसके बाद जो और काम है वो काम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे हॉस्पिटल। फिलहाल देखते हैं कितनी देर का काम है, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बाकी सर ने गाड़ी खड़ी कर दी उधर, एक इधर एक इधर, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे बस सर, और उसके बाद चलते हैं अंदर कचहरी में। लो भाई ये खड़ी गाड़ी एक्सिस बैंक के सामने, तो सर आ रहे हैं वाटिया मिस वाले गेट, चलते हैं अंदर सीधा कचहरी में। लो जी कचहरी पहुंच गए अंदर, बाकी सब बैठे हैं जी। गर्मी लगने लगी वेट करते करते, जिस काम से हम आए थे उस काम में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो कोई नहीं क्या कर सकते, पर जल्दी हो जाएगा। जिसे फ्री हो गए अब चलते सीधा, मुझे भी पता जाना कहाँ है कि सर को ही पता कहाँ जाना कहाँ नहीं, बस साथ सर के साथ है। चलो तो देखते किधर जाते किधर नहीं, जल्दी से गाड़ी के पास चलते हैं क्योंकि धूप लग रही है और गर्मी भी हो रही है। जल्दी चलते हैं और अपना देखते किधर जाते हैं। लो भाई लो 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 जिला परिषद बाजार, अच्छी यही है सर जिला परिषद दवाई होगी, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। कौन से बात चाहिए लो, ये फायर मैं आज पहली बार देख रहा, फिर आपने गए हो तेरे शहर तो तुझे नहीं पता, मुझे तो वाकई नहीं पता। चलो मुजफ्फरनगर से जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हो गया है, सही रहा, कोई दिक्कत ना है। फिलहाल ऐसा करते अब चलते हॉस्पिटल की तरफ को, टाइम भी काफ़ी हो गया, टाइम हो गया भाई 5, तो अब चलते हॉस्पिटल की तरफ को और जाके क्या चल रहा है क्या नहीं, काम वाम करते हैं तो बैठते और निकलते हैं। मुजफ्फरनगर से, बाकी मुजफ्फरनगर जिस काम से गए थे वो सारा काम हो गया, कुछ जहाँ दिखा सकता था तो वो दिखाया, जहाँ नहीं दिखा सकता था जिस दोबारा कहाँ गए थे वो ना दिखा सकता था नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया, कोई नहीं। बाकी सही रहा जिस काम से गया था, सबसे बड़ी बात है कि ये काम हो गया और बहुत जरूरी था वो काम होना। बाकी चोट, ये चोट लगी कैसे भाई, इसलिए चोट का बहुत वो है, बस क्या बताओ क्या नहीं, रात को सो रहा था 12 बजे और ऊपर से कूलर का पंखा होता, कूलर की किट होती है ना उसकी पकड़ी निकल के वो सीधी यहाँ के लगी, तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र रहा कि कहीं
करवट लेके लेट रहा था, तो इसलिए यह लगी कहीं आपका गर्दन वर्दन पे या नाक वाक लगी, तो अगर कहीं ऐसी वैसी यहाँ लग जाती तो कटने का भी खतरा था। शुक्र ये रहा कि पहले जो वो गिरी पहले शोल्डर पे लगी, शोल्डर पे लगने के बाद जब यहाँ लगी है तो इसलिए चोट तब की लगी है, वरना चोट वोट का तो मेरा ऐसा कोई मैटर होता नहीं, कर कुछ नहीं सकती। चोट लगनी थी ऊपर वाले गुस्से तो लगनी थी तो लगी, इसका कोई इतना नहीं, पर यह कि कुछ बड़ी घटना नहीं हुई, वो बहुत जरूरी था। ऊपर वाले को शुक्र रहा। फिलहाल 5:30 हो गया तो मुझे नगर से बस अभी आए, बाकी तो फ़ोन चार्ज करते थोड़ी देर, उसके बाद चलेंगे सीधा घर और घर जाके देखेंगे क्या काम करना है क्या नहीं। बाकी अरमान को एक जोड़ी कपड़े दिलवाने, तो अगर उसका फ़ोन मिलता तो अरमान को दिलवा दें कपड़े, वरना नहीं वरना सीधा घर पहुंच जाएंगे। तो तब तक अरमान को कॉल करते और वेट करते। टाइम हो चुका है 6:00 हैं और अपन निकलता है घर को, बाकी क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करते, आज वैसे सैटरडे कल बहुत सारा काम है, कल कैंप भी है, तो इसलिए जल्दी से घर निकलते और उसके बाद देखेंगे। मैं आ चुका हूँ घर और बाकी यार ये निशान थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा है, जी जैसा कर रहा है शूट ही ना करूँ, पर कोई नहीं आज का तो ब्लॉग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये लड़की देखो पड़ी, ये लड़की खड़ी हो जा भाई, ये लड़की तो बस फ़ोन देखे, जब मैं सुबह गया जब भी फ़ोन देख रही थी और अब आया हूँ अभी फ़ोन देख रही है। अब मैं दिखाता हूँ कौन सी वाली पकड़ी निकली थी और कैसे लगी है चोट। देखो भाई मैं यहाँ सो रहा था इस वाली घाट पर, यहीं पड़ा और ये जो कूलर की वाली पकड़ी हुए ना किट, इसकी पकड़ी निकली और सीधा आके लगी भाई, क्या कहे बस। रात को शुक्र उन्होंने जान बच गई। शुक्र ये है कि कहीं सॉफ्ट टिश्यू वगैरह पे लगी, कहीं ऐसी वैसी जगह लगी जाके, अन्ना आँख वाँख की तरफ या फिर नाक वाँख पे लग जाती तो भाई काट ही देती। वो तो शुक्र रहा कि पहले शोल्डर पर उसके बाद यहाँ लगी है, जिसकी वजह से इतनी दिक्कत नहीं हुई। और बाकी ये लड़की, इस लड़की को दिखाता हूँ फ़ोन, फ़ोन बस क्या कर रही है हैं यार, मक्खी कितनी आ रही, फोन देखना मैंने, देख ले चाय पी अभी, और किस टाइम की चाय पी रही, रोटी किस टाइम खाओगी, रोटी किस टाइम खाओगी। चलो भाई इसे खेल लेना, तो अपना पानी वानी पीते फिर नीचे चलते और नीचे के जाके देखते क्या चल रहा है क्या नहीं। खाना खा के फ्री हो चुका हूँ और टाइम हो चुका है भाई, अरे यार किरकिरी कर रही क्या, बंद कैसे होगी भाई, कोई ना बंद होगी। तो खाना खा के फ्री हो चुका हूँ, घड़ी बंद होगी तो एक काम करते इसे चार्जिंग पे लगाते, बाकी और देख तो और तो कुछ करना नहीं है, बस अपना एक काम करते इस ब्लॉग को इंस्टाग्राम करते, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा शेयर करो, बाय।